हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में 6 जनवरी 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। 10 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू विच कंट्री डिड इंडिया गिव 75 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर सोलर पार्क। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसको अभी हाल ही में भारत ने 75 मिलियन डॉलर दिए हैं लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर सोलर पार्क बनाने के लिए। ये देश है क्यूबा। क्यूबा को भारत ने 75 मिलियन डॉलर दिए हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में डिफरेंस होता है। एक जो लोन होता है, लोन में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यह होता है कि जैसे सोलर पार्क बना रहा है क्यूबा, तो कल को जब ये सोलर पार्क बनेंगे तो उनसे जो कमाई होगी उस कमाई से कुछ परसेंट भारत का भी बनेगा ऑन द बिहाफ ऑफ 75 मिलियन यूएस डॉलर। अल्टीमेटली एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब क्यूबा की बात करें तो क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा की कैपिटल है हवाना। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? इनका नाम है मैगुल डियाज कैनल। क्या नाम है? मैगुल डियाज कैनल। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच न्यूट्रल प्रोनाउन हैज बीन वोटेड एज वर्ड ऑफ द डिकेड। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको वर्ड ऑफ द डिकेड डिक्लेयर किया गया है? यह है दे। दे को पता है क्यों वर्ड ऑफ द डिकेड डिक्लेयर किया गया है? दे की खूबसूरती यह है कि यह दूसरों को इंडिकेट तो करता है लेकिन यह किसी में भेदभाव नहीं रखता। मतलब ना ही में और ना ही शी में। आप जब दे बोलकर किसी को इंडिकेट करते हो तो उसमें भेदभाव एक तरीके से नहीं होता। तो बिना भेदभाव वाला वर्ड है एक तरीके से ये। इसकी आप थीम को समझे, ना ही आप पहचान पाओगे कि ही को बोल रहे हैं या फिर शी को बोल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैज बीन सिलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द डिकेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट फेमस टीन एजर ऑफ द डिकेड बाई यूनाइटेड नेशंस। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने मोस्ट फेमस टीन एजर ऑफ द डिकेड किसको डिक्लेयर किया है? तो ये है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ है पाकिस्तान में और वैसे अब ये रहती है ब्रिटेन में। एक्टिविस्ट है ये, मात्र 22 साल इनकी उम्र है। ये डिक्लेयर करी गई मोस्ट फेमस टीन एजर ऑफ द डिकेड। रिसेंटली टीएन चतुर्वेदी हैज पास्ड अवे। ये है टीएन चतुर्वेदी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज द फेमस गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आपको बता दूं ये पहले गवर्नर थे कर्नाटका के और उससे भी पहले ये एक आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस अधिकारी जब ये थे तो उसके बाद नौकरी से रिटायर होने के बाद कर्नाटका के गवर्नर बने थे और उसके बाद अभी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। कर्नाटका में वैसे ई के पलानी स्वामी की अभी तक सरकार है। और अगर बात करें टीएन चतुर्वेदी की तो इनकी एक फेमस किताब भी है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑडिटिंग। गवर्नमेंट ऑडिटिंग। और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका था, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी कन्फर्ड विद द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेल। अभी हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मेल कैटेगरी में किसको सम्मानित किया गया? तो ये हैं क्रिकेटर के श्रीकांत। आपको इनका पूरा नाम पता है? इनका पूरा नाम है कृष्ण मचरी श्रीकांत। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेम कैटेगरी में फीमेल अवार्ड के लिए किसको सम्मानित किया गया? मतलब सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फीमेल कैटेगरी में किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया अंजुम चोपड़ा को। दोनों ही नाम ध्यान रखे, अंजुम चोपड़ा भी क्रिकेटर है और श्रीकांत ये भी क्रिकेटर है। तो श्रीकांत मेल कैटेगरी और अंजुम चोपड़ा फीमेल कैटेगरी, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोनों ही नाम ध्यान रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली इन विच सिटी द वुमेन साइंस कॉन्फ्रेंस हैज बीन स्टार्टेड। अभी हाल ही में महिलाओं के लिए साइंस कांग्रेस की शुरुआत करी गई कहां पर? इसकी शुरुआत करी गई बेंगलोर में। सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड द फार्देस्ट गैलेक्सी ग्रुप आइडेंटिफाइज एज EGS77। हु लेड दिस टीम ऑफ साइंटिस्ट? देखो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो पेशेंस के साथ। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय टीम जो कि वैज्ञानिकों की थी, इन्होंने अभी हाल ही में सबसे दूर की गैलेक्सी का पता लगाया है। इस गैलेक्सी का नाम इन्होंने क्या रखा है? EGS77। इस टीम को, ये जो पूरी साइंटिस्ट की टीम थी, इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे विट्टल तलवी। क्या नाम है? विट्टल तलवी। तो इनकी टीम, इनके निर्देशन में इस पूरी टीम ने EGS77 का पता लगाया। ये कौन सी स्पेस एजेंसी की टीम है? नासा की टीम है।
और ध्यान रखिएगा साल 2019 में ही एक इंपॉर्टेंट गैलेक्सी हमें पता लगी थी जिसको बोलते हैं मैसियर 87, उसी में हमें ब्लैक होल मिला था। ब्लैक होल, एक क्वेश्चन आपसे और कर सकता है, ये जो ब्लैक होल मैसियर 87 में पाया गया ये अर्थ से कितनी दूरी पर है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ब्लैक होल से अर्थ दूरी पर है 50 मिलियन लाइट ईयर दूर, 50 मिलियन लाइट ईयर। एक क्वेश्चन आपसे और बना था इससे कुछ टाइम पहले कि अभी कुछ टाइम पहले साइंटिफिक ऑस्कर किस टीम को मिला था? तो साइंटिफिक ऑस्कर अभी कुछ टाइम पहले मिला था इवेंट होराइजन टीम को, इवेंट होराइजन टीम। अब ये इवेंट होराइजन क्या है? ये जो ब्लैक होल डिस्कवर किया गया था, इस ब्लैक होल की इमेज ली गई थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से, तो उसी टीम का नाम है। एक्चुअली इस टेलीस्कोप से 8 पार्ट में इसकी इमेज ली गई थी, तो उस पूरी एंटायर टीम को सम्मानित किया गया ऑस्कर से। रिसेंटली हु वॉन द मिस टीन इंटरनेशनल 2019 ब्यूटी पेजेंट? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल 2019 से सम्मानित करी गई है कौन? इनका नाम है आयुषी ढोलकिया। आयुषी ढोलकिया, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो आयुषी ढोलकिया भारत में किस राज्य से बिलोंग करती हैं? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर पर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयर पर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है हरजीत कौर जोशी। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन इस वीडियो के आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही आपको बता दूं 11 तारीख से 90 मिनट डेली क्लासेस में लूंगा अन अकेडमी पर। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके प्लस का क्रैश कोर्स आ रहा है, तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें। यह है मेरा रेफरल कोड Varun777, इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। साथ ही में सिर्फ SSC ही नहीं, IBPS, रेलवे, आप किसी के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी पे, और इस कोड का Varun777 का अगर आप यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।